हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं अखिल त्रिपाठी, नाइजल अलमनस एंड को फाउंडर सायस्टा आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। विदाउट जेई एग्जामिनेशन दिए हुए हम आईआईटी में कैसे जा सकते हैं, इस पे वीडियो। तो यार, क्या ये बात सच है कि हम आईआईटी में विदाउट जेई दिए जा सकते हैं? जी हाँ, ये बात सच है। विदाउट जेई मेन्स दिए, विदाउट जेई एडवांस दिए, इवन विदाउट गेटिंग 75% इन बोर्ड एग्जामिनेशन हम आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। वो भी कोई ऐसी वैसी आईआईटी नहीं, हम आईआईटी मद्रास में जाएंगे जो कि इंडिया की नंबर 1 एनआईआरएफ रैंकिंग वाली आईआईटी है, उसमें विदाउट जेई एग्जामिनेशन दिए। अच्छा भैया, तो क्या ये वही कोर्स है क्या जो ऑनलाइन होता है, आईआईटी मद्रास करवाता है? जी नहीं, ये कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये एक फुली 4 ईयर का बीएस इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है जो कि पूरा का पूरा ऑफलाइन होगा। आईआईटी मद्रास में सीएससी वाले बच्चे के साथ उस कैंपस में रह रहे होगे पूरे 4 साल। अच्छा भैया, तो कैसे अप्लाई कैसे करेंगे इसमें? तो इसके लिए आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्म भरना है। अच्छा भैया, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है? तो भाई, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे बीटेक करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए जेई मेंस एंड एडवांस होते हैं ना, तो ऐसे ही इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भारत में टोटल 7 हैं, सेम आईआईटी जैसे इनको फंडिंग मिलती है, ये रिसर्च के लिए हैं, और इंडिया का नंबर 1 एनआईआरएफ ओवरऑल कैटेगरी में, टेक्निकल कैटेगरी में तो आईआईटी मद्रास है, ओवरऑल कैटेगरी में आईएससी बैंगलोर है। आईएससी बैंगलोर में एडमिशन लेने के लिए ये आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जामिनेशन होता है। अच्छा भैया, तो इसमें अप्लाई कैसे करते हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए? मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप इसमें देख लो। आपको उसमें पहले अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको आईआईटी मद्रास में सेपरेटली भी रजिस्टर करना है इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो अच्छा, चलिए अब और डिटेल में डिस्कस करते हैं ये प्रोग्राम है क्या। तो यार, ये जो प्रोग्राम है ये डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये एक 4 ईयर का बीएस प्रोग्राम है इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। तो भैया, इस प्रोग्राम में होगा क्या? इस प्रोग्राम में आपको डेवलप किया जाएगा वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग फिजियोलॉजिस्ट बनने के लिए, जो कि डिफाइन करेंगे फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। तो यार, काफी एक्साइटिंग प्रोग्राम है ये। कहा जा रहा है ये जो प्रोग्राम होगा ये गेम चेंजिंग इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर होगा, और ये ब्रिज करेगा मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग को। और इस प्रोग्राम में जनरली क्या होता है ना कि जनरल बीटेक कोर्सेज में भी आप थ्योरी ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया गया है, और आपको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कराई जाएगी, जहाँ जिससे आपने जो पढ़ा है ना उसको आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। और ये जो प्रोग्राम है ना, ये पढ़ाया जाएगा बोथ मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले फैकल्टीज द्वारा, और ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस फॉर द स्टूडेंट्स। डिटेल में इस प्रोग्राम के बारे में देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोलॉजी कोर्सेज, ये कोर्सेज ऑफर किए जा रहे होंगे। ये प्रोग्राम इन ब्रॉड एरियाज को भी कवर करेगा। तो कुछ बच्चे ये रूमर फैला रहे हैं कि इस प्रोग्राम का कुछ फ्यूचर नहीं होने वाला है, आप बेरोजगार बैठोगे 4 साल बाद ये प्रोग्राम करके। तो क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल नहीं यार, आईआईटी मद्रास इंडिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज ये स्टेप ले रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है इतने बड़े बड़े इस प्रोग्राम को बनाने में। यार प्लीज, आप इस वेबसाइट पे जरूर जाना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप देखना इस प्रोग्राम को बनाने में कौन कौन से लोग लगे हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे कॉल जीज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर, हेड ऑफ एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट फाइजर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर गेटिंग, इतने बड़े बड़े लोग अगर कोई ये प्रोग्राम बनाने में लगे हैं, और आईआईटी मद्रास जैसा इंस्टीट्यूशन इसके पीछे है, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएगा जिससे उसके कॉलेज के बच्चे बेरोजगार बैठे? तो यार बिल्कुल ही नहीं। तो अच्छा, प्लेसमेंट्स होते कैसे हैं? प्लेसमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो स्किल सेट्स आप एक्वायर कर रहे हो, अगर उसकी एप्लीकेशन है तो कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार रहेगा, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो कि उस काम को कर पाओ। तो अगर कोई आउटडेटेड चीज़ पढ़ता है, लाइक जनरली आज के टाइम पे प्लेसमेंट्स का इतना बुरा, इंजीनियरिंग में ही इतना बुरा सिनेरियो क्यों हो रखा है? इसलिए हो रखा है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो बहुत आउटडेटेड है। 30 ईयर्स पहले वो चीज़ें अप्लाई होती थी, आज उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन है ही नहीं। आप एक बार कोर्स स्ट्रक्चर तो देखो, आपको क्या पढ़ाया जा रहा होगा। ये एक 21st सेंचुरी का कोर्स है यार, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाइड टू हेल्थ पढ़ाई जा रही होगी, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन रिसर्च इन मेडिसिन रेगुलेटरी प्रोसेसेस ऐसे करेंट के एकदम हॉट टॉपिक पढ़ाए जा रहे होंगे, जिनकी तो यार फ्यूचर में इतनी अच्छी एप्लीकेशन होने वाली है, जिनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होने वाली है। ऐसे में भी आपको नहीं पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइजर में ही 650 करोड़
टाटा ट्रस्ट के साथ स्पेंड करके टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, जैसे वो मुंबई में है ना वैसे ही ईस्ट के लिए नाइजर बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे जब ये हॉस्पिटल बनेगा तो कितने सारे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मेडिसिन के साथ टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज रखते होंगे टू रन हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट, और फ्यूचर में R&D में, मेडिकल साइंसेज के R&D में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे होंगे। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि इस कोर्स के फ्यूचर आस्पेक्ट्स उतने अच्छे नहीं, इस कोर्स के तो फ्यूचर आस्पेक्ट बहुत ही शानदार हैं यार। आप कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हो जिसमें आपको फंडामेंटल कोर्सेज ये मिलते हैं, ब्रिज कोर्सेज मिलते हैं, डोमेन कोर्सेज मिलते हैं। आप प्लीज़ इस वेबसाइट mst.iitm.ac.in पे विजिट कर लेना और ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लेना, और ये करिकुलम भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट PDF IIT मद्रास के इस BS इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम रिलेटेड हम अपने ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ पर ऐप डाउनलोड करके, साइस्टार को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। और ये आपके इलेक्टिव्स होंगे, डिज़ाइन ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, कार्डिक डिवाइस डिज़ाइन, ऐसे ऐसे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आप प्लीज़ इधर विजिट करके ये वीडियोस देख लेना, इस कोर्स को बनाने में ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, जहाँ पे इनके ओपिनियंस भी दे रखे हुए हैं। इस कोर्स के लिए हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आइजर एडमिशन पोर्टल पे जाना है। कैसे रजिस्टर करें IIT के लिए, इसका डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। और जैसे ही आप IIT के लिए रजिस्टर कर लेते हो तब आप आइए IIT MBS वाले एडमिशन पोर्टल पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द BS इन 2024 प्रोग्राम। और इसके पहले आपको अगर IIT मद्रास के बारे में, आप यहाँ से देख सकते हो, इस MST के बारे में जानना है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से आप पढ़ सकते हो और आप इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। और इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है इसका PDF हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने साइस्टा ऐप में, और मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ कि हाईलाइट्स इस कोर्स के क्या होने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, तो यहाँ पे रिजर्वेशन का तो सेम सीन है जो हर एग्जाम में रहता है। इस कोर्स के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको IIT 2024 के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा, और आपकी एज की लिमिट जो है फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ 1999 फर्स्ट ऑफ अक्टूबर, और SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और ये कोर्स के लिए एडमिशन सेकेंड ड्रॉपर्स भी दे सकते हो, याद आप रखना, आप ISC बेंगलोर में सेकेंड ड्रॉपर नहीं एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इस साल से आइजर में भी, नाइजर में भी, और IIT मद्रास के इस कोर्स में सेकेंड ड्रॉपर भी एडमिशन ले सकते हैं 2022-23, और आप अगर 24 में अपेयर कर रहे हो आप एडमिशन ले सकते हो। और आपको केवल 60% एग्रीगेटेड चाहिए होगा क्लास 12th में। तो एलिजिबिलिटी के लिए मैथ होना इज कंपल्सरी, PCB वाले बच्चे इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो मैथ आपका होना चाहिए। और आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स में any 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स होने चाहिए क्लास 12th में। और भी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम के लिए टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 32 हैं, इसमें से 2 सीट जो हैं वो स्पोर्ट्स कोटा की हैं, 12 इन जनरल कैटेगरी, 3 इन EWS, 8 इन OBC, 5 इन SC और 2 इन ST। और इस प्रोग्राम के एप्लीकेशन के लिए ₹500 फ़ी है जनरल OBC NCL EWS के लिए, बाकी सबके लिए ₹250 फ़ी है। और एडमिशन का ऑफ़र कैसे मिलेगा इसका डिटेल आपको यहाँ दिया हुआ है। बाकी के सारी डिटेल्स के लिए आप इस PDF को साइस्टा ऐप से भी देख सकते हो, और आप इस वेबसाइट से भी विज़िट कर सकते हो। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, तो हम जल्दी से क्लिक करते हैं अपना एप्लीकेशन प्रोसेस। तो हम सबसे पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि एडमिशन जो होगा वो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पोर्टल से होगा, लेकिन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पोर्टल में आपने रजिस्टर कर भी दिया है, अगर आप सेपरेटली IIT मद्रास के लिए रजिस्टर नहीं करते हो तो आप इसके काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान देना कि सबसे पहले आपको IIT चैनल में अप्लाई करना है, उसके बाद आपको IIT मद्रास के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप IIT मद्रास के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते, अगर आपने IIT का पोर्टल में एप्लीकेशन किया भी है, तो आप इसके काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो याद से, अगर आप PCMB या PCM वाले बच्चे हो, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना और ज़रूर अप्लाई करना। तो हम सबसे पहले इसके लिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर आएंगे, और हम अपना क्लास 10th का सर्टिफिकेट में जो नाम है वो मेंशन करेंगे, मेरा नाम है अखिल त्रिपाठी। उसके बाद हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मैं एक बार फिर से कंफर्म करता हूँ, पासवर्ड डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। हमको ये शो कर रहा है कि यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मेरा ये नाम
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया है। अब मुझे क्लिक करना है लॉगिन वाले पेज पे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, आप यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको आईआईटी चैनल के लिए अप्लाई करना है। आपको वहाँ से आईआईटी चैनल का एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना है। आपको अपना नेम ऑफ द फादर, गार्जियन, सारी चीज़ें जो होंगी वो आप क्लास टेंथ वाली मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना। आपको यहाँ अपना एकेडमिक डिटेल्स डालना होगा, आपको अपना यहाँ पर्सनल डिटेल्स सारे डालने होंगे। आप इसको फिर कंटिन्यू कर देना, फाइनल पेमेंट का आ जाएगा और वहाँ से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस ध्यान रखना आपको पहले आईजेपटू टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो आई होप बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे इस वीडियो का, और जितने भी बच्चे जेई मेन से अभी डीमोटिवेटेड हैं आप इसका भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अगर आपका आईआईटी मद्रास नहीं भी होता, आईजेस भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ भी जाके अपना अच्छा करियर सिक्योर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको आईआईटी मद्रास के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फर्दर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें साइस्ट्रा ऐप पर मैसेज कर सकते हो, आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हो, हम अपना रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करेंगे। आप हमारा साइस्ट्रा ऐप भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पर हमने आईआईटी के लेटेस्ट मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। आप वहां से अपना करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन जज कर सकते हो, और अगर आपको फील होती है कि आपको और अच्छे से तैयारी करना चाहिए तो आप हमारे साथ क्रैश कोर्सेज का भी पार्ट बन सकते हो और हमारी साइस्ट्रा फैमिली के साथ इन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने और इन इंस्टीट्यूशंस में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, सी यू एट आईआईटी मद्रास। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साइस्ट्रा और करिए अपने IAT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।